हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोगों को जो गाज़ियाबाद जाना था उसका मैंने आज वीडियो आपके साथ शेयर किया। वीडियो थोड़ा लेट हो गया, शूट तो उसी दिन किया था लेकिन एडिटिंग नहीं मैं कर पाई। तो ये चारबाग स्टेशन पे हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारी ट्रेन एक घंटे लेट थी और भाई चाय लेके आया था क्योंकि बस कुछ भी मैं नहीं कर पाई, जल्दी जल्दी खाना वाना बना के रख के बस तुरंत हम लोग चले आए थे। तो वही चाय पी रहे थे और अभी हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं और चारबाग स्टेशन पर तो भाई और हस्बैंड दोनों लोग छोड़ने के लिए आए हुए थे। और उसके बाद फिर ट्रेन आई 7:30 पे तो हम लोग चल दिए। देखिए फ़ोटो खींची थी इन्होंने तो वही मैंने लगा दी क्योंकि वीडियो नहीं शूट कर पाए थे। फिर उसके बाद ये देखिए अब चली है। तो अभी तो लखनऊ में ही हम लोग हैं, माल के साइड काफ़ी ग्रीनरी टाइप की थी तो मैंने थोड़ा सा शूट किया। और बहुत फिर उसके बाद ट्रेन हम लोगों की लेट 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 इतना लेट हो गई थी कि काफ़ी हम लोगों को टाइम हो गया था आने में, है ना आशवी? आशवी मेरे साथ बैठी हुई है, वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ तो वो सुन रही है। और अब आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। आज मैं एक कल मैंने एक और शूट किया है तो ये हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये आन्या अपना कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह खा रही है और फिर थोड़ी देर बाद खाएंगे 10:30 पे, क्योंकि कुछ भी नाश्ता वगैरह करके नहीं चले थे घर से तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। लेकिन अभी चाय वगैरह ले ली थी हम लोगों ने तो ऐसे ही चाय बिस्किट खा लिया था। और मम्मी आन्या इधर बैठी हैं, मैं इधर सामने वाली सीट पे थी। तो अभी दिन है तो हम लोग थोड़ी बहुत देर बीच में लेटे, बाकी बैठे ही रहे। और एक फैमिली और थी तो उनके भी बच्चे थे तो फिर सब लोग अपना बात बात करते हुए चले आए तो अच्छा लगा, सफ़र अच्छे से कट गया। और ये देखिए अब मैं खाना लगाने जा रही थी ना तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती, ये लोग उधर बैठी थी और घर से पूड़ी सब्जी ये सब बना के ले गए थे और मैं इधर बैठी हुई थी। तो अब हम लोग खा लेते हैं खाना, उसके बाद फिर थोड़ी देर फिर मैंने रेस्ट किया था। तो ये आन्या को ना खाना खाने का मन नहीं था क्योंकि ये अपना सब इतना स्नैक्स ले गई थी तो वही मैं बोल रही थी लेकिन फिर आवाज़ इतनी खड़खड़ खड़खड़ हो रही थी ना और बच्चे भी सामने वाले बोल रहे थे तो फिर मैंने वहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि ये कुछ भी नहीं, बस यही अपना दाल मोट चिप्स ये सब जो ले गई थी वही सब इसने खाया। और फिर शाम को इनको भूख लग गई क्योंकि ट्रेन हम लोगों की हो गई थी 5 घंटे लेट ट्रेन हो गई थी। और अब हम लोग ये मुरादाबाद आए हैं 4 बजे शाम को, क्योंकि मुरादाबाद पहुंचने का टाइम था 11 से 12 के बीच टाइम था और हम लोगों का गाज़ियाबाद पहुंचने का टाइम 2 बजे का था लेकिन हम लोग गाज़ियाबाद पहुँचे 8:30 बजे रात में। तो ये मुरादाबाद से चल दी है तो मुझे लग रहा था कि अब बस बहुत जल्दी पहुँचेंगे। और यहाँ पर आशवी वेट कर रही थी हम लोगों का, ना आशवी? तो आशवी वेट बहुत वेट कर रही थी हम लोगों का, इतना परेशान थी उतना ही ट्रेन लेट कर रही थी। तो ये मुरादाबाद स्टेशन से अब हम लोग चले हैं और बस थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट की मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई क्योंकि लेट की वजह से ना थोड़ा सा हम लोग भी परेशान हो गए थे, इतना लेट हो रही थी इसकी वजह से। तो इस वजह से वॉइस ओवर में यहाँ पे आज भी बार बार बोल देती ना तो मैं बार बार मुझे काटना पड़ रहा है। तो वो जो है फिर मुरादाबाद से चल दी हम लोगों की ट्रेन और उसके बाद हम लोग काफ़ी रुक रुक के इतना रुक रही थी वहाँ पर हर स्टेशन पे। तो ये मुरादाबाद स्टेशन है, उसके बाद फिर रुकती रही हर जगह, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ ही ना रुकी हो, जबकि सुपरफास्ट में कराया था लेकिन बिल्कुल पैसेंजर बन गई थी ये ट्रेन। और शायद जितनी हम लोगों को जल्दी थी या जितना आशवी वेट कर रही थी उतना ही ट्रेन लेट हो रहा था तो और ज़्यादा हम लोगों को गुस्सा लग रही थी, उसी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट कर पाई। तो चलिए सफ़र फिर भी अच्छा रहा हम लोगों का। और अब ये खड़ी है महरौली में तो अब मुझे लगा कि बस हम लोग का स्टेशन आने ही वाला है लेकिन तब भी इतना टाइम यहाँ पे खड़ी रही। अभी देखिए उजाला है और यहीं पे खड़े खड़े अंधेरा भी हो गया था, 1 से 1.5 घंटे यहाँ खड़ी रही जबकि इससे सिर्फ एक स्टेशन आगे गाज़ियाबाद था। अब हम लोग बस आने वाला है तो हम लोग देखिए आन्या की एक्साइटमेंट देखिए डांस करने लगी, मैंने इसको बता दिया कि स्टेशन आ गया ना, ये डांस कर रही है आशी मेरे साथ बैठी हुई। और अब ये भाई मिल गया है तो हम लोगों को लेके आ रहा है घर के लिए। तो काफ़ी अंधेरा था यहाँ पे, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ का शूट किया, उसके बाद आपको अभी कल घर का व्लॉग मैं दिखाऊंगी और होम टूर भी आपको जल्दी मैं दिखाऊंगी यहाँ का और आशवी के साथ तो जो भी मस्ती होगी वो भी सब आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हम लोग गाज़ियाबाद में एंटर कर चुके हैं और ये ना कोई महोत्सव टाइप का लगा हुआ था तो वो थोड़ा सा मैंने शूट किया, महोत्सव या मेला कुछ ऐसा लग रहा था क्योंकि काफ़ी झूले बड़े बड़े से झूले वगैरह लगे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मैंने शूट किया और उसके बाद फिर हम लोग आ गए अपने घर
और घर आते ही जो आशवी का एक्साइटमेंट, वो मैंने सोचा था मैं कैप्चर करूँगी, लेकिन क्योंकि मुझे ही बड़ा एक्साइटमेंट था तो मैं बिल्कुल मेरे ध्यान से ही उतर गया कि मोबाइल निकाला ही नहीं मैंने, बैग वैग भी काफ़ी हाथे पकड़े हुए थे तो वो मुझे शूट करना चाहिए था। इतना चिल्लाई थी देख के, इतनी खुशी हुई थी। तो ये अब हम लोग जिधर मतलब मेरे भाई का घर है ना, उस एरिया में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मॉल वगैरह हैं और गेस्ट हाउस हैं बहुत अच्छे अच्छे से, रिलायंस ट्रेंड है और भी कई मॉल हैं। ये भी मॉल काफ़ी बड़ा सा है, भाई बता रहा था, तो उसके घर के सब आस पास में हैं। तो ये देखिए, ये PBR और इसमें बिग बाज़ार सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा मॉल है ये। तो अगर कहीं हम लोग घूमने गए तो वहाँ के भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे अब जैसा टाइम होगा। और अब हम लोग ये जहाँ पे भाई रहता है उस एरिया में हम लोग आ चुके हैं अपनी सोसाइटी में, तो यहीं पे उसका घर है। तो मैंने थोड़ा सा, रात हो गई थी लेकिन तब भी थोड़ा सा मैंने शूट किया। ये देखिए, तो चलिए, कौन कौन आया है तुम्हारे घर? ये मैंने आवाज़ नहीं म्यूट की क्योंकि मैंने सोचा कि इसका आप लोग पूरा वो देखिए कितना एक्साइटमेंट है इनको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।